वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, दिस इज पी एम सैनी एंड यू आर सैनी पी एम यूट्यूब चैनल। सो अगेन मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। मैं आपको बताने वाला था, आपने थंबनेल देख लिया होगा ऑलरेडी ना कि मैं क्या बोलने वाला हूँ इस वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा ये फर्स्ट टाइम था नीट 22 में, और मेरा जो मार्क्स आए हैं वो है 530 मार्क्स आए हैं। तो यूपी में इसमें कोई भी मेडिकल कॉलेज एम बी बी एस में नहीं मिलने वाला, गवर्नमेंट कॉलेज बेसिकली। और इसके अलावा आपको बी एम एस या बी एस आपको क्या मुझे मिलने वाला है, बट आई एम नॉट डूइंग दिस, मैं इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं हूँ बी एम एस या बी डी एस में। तो बिकॉज मैं बहुत क्लोज था, और मेरे अगर थोड़े मार्क्स और आते तो शायद मुझे 600+ अगर हो जाता तो मुझे कॉलेज मिल जाता। इस बात का दुख होता है, बट कोई नहीं, मैं नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो आई होप इस साल अच्छा होगा। तो वो वाज़ अ फैक्टर एक्चुअली, मेरा जो नीट एग्जाम का सेंटर था वो मेरे घर से 8 नहीं 10 किलोमीटर दूर था, वो अराउंड 10 किलोमीटर दूर ही था। और मैं उसी दिन ट्रैवल पर गया था, और उस दिन मतलब काफ़ी हैक्टिक हो गया था। और मैं वहाँ जाने के बाद, सीधी सीधी बात बताता हूँ आपको, मैं वहाँ जाने के बाद नर्वस हो गया था, क्योंकि पहली बार एग्ज़ाम दे रहा था। और मतलब मैं एक कोने में बैठा हुआ था, मेरे जो सेकंड लास्ट मेरी बेंच थी जिसमें बैठा था बिल्कुल, और मतलब पता नहीं क्या ही था वहाँ पे। आई कैंट एक्सप्लेन कि वहाँ कैसा हो रहा था, मतलब मुझे, मेरा माइंड काम नहीं कर रहा था। इनफैक्ट मैंने बायोलॉजी में आधे आधे क्वेश्चन गलत कर दिए, फिजिक्स में मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे कितने ईजी क्वेश्चन थे मैंने वो गलत कर दिए, केमिस्ट्री में मुझे क्वेश्चन आता था मैं छोड़ दिया भाई, वहाँ पे समझ नहीं आया कि क्वेश्चन मुझे आता भी है, मैं सोच रहा हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से आया, और यहाँ पे आके देख रहा हूँ कि यार क्वेश्चन तो आता था मुझे। तो ऐसा कुछ हुआ है हमारे साथ में, बट कोई नहीं। सो बात करें हम करंट स्टडी की, मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ। तो मैंने एक सेकंड लास्ट अपना शॉर्ट डाला था, जिसमें मैंने पीडब्ल्यू का लेक्चर दिखाया था आपको, और आकाश के मॉड्यूल दिखाए थे, और बायजूस का एक कप दिखाया था, जिसमें आपने कमेंट भी किया था कि वाओ ग्रेट कॉम्बिनेशन कि आप पीडब्ल्यू और कप ऑफ बायजूस और मॉड्यूल आकाश के। तो बेसिकली मैं बताता हूँ, मैं आपके, मेरे पास ना कलेक्शन है हर एक इंस्टीट्यूट का, काफ़ी इंस्टीट्यूट का है, एलन का भी है, ये तो मैं सिर्फ आकाश का दिखा देता हूँ आपको वीडियोज़ के लिए। बेसिकली फिलहाल पीडब्ल्यू ऐप से पढ़ रहा हूँ, मेरे पास यकीन 2.0 3.0 दोनों आपको कंबाइन मिल रहे हैं आजकल, तो क्योंकि उनका ऑफर चल रहा है। तो मेरे पास पीडब्ल्यू के, अब मेरे पास लेक्चर्स है, मॉड्यूल में पढ़ रहा हूँ आकाश इंस्टीट्यूट के, और टेस्ट का तो ऐसा है कि लास्ट डे जो मेरे टेस्ट हो रहे थे ना, तो मैंने क्या किया, अपने टेस्ट तो मैंने कलेक्ट किए ही सारे के सारे, जितने मेरे टेस्ट हुए, जितने मेरे ऑनलाइन टेस्ट हुए थे मैंने उनका पीडीएफ निकलवा लिया था, मतलब पीडीएफ क्या, उनके प्रिंट करवा के निकलवा लिया था मैंने उनको, इंस्टीट्यूट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है आपको और आकाश इंस्टीट्यूट में। और जो और थी, जैसे हमारा, जैसे मेरा तो आरंभ का बैचेस था, क्योंकि मैं 1 ईयर क्लासरूम के था, तो रिपीटर बैच का था, तो उसमें तो अलग होते हैं फोर्टनाइटली एफटी, मतलब और एक AITS, और अगला रिविजन टेस्ट सीरीज होती है, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज होती है, सब तो अलग होती हैं। तो उनका तो मेरे पास सबका वो प्रिंट था ही, मतलब पेपर था ही, लेकिन उसके अलावा जो 11th क्लास वाले स्टूडेंट होते हैं ना, और 12th क्लास वाले स्टूडेंट होते हैं, तो उनका क्या होता था, उनके टर्म टेस्ट होते हैं, उनके ना उनके और भी टेस्ट होते हैं, उनके AITS भी होते हैं, सब होता है। तो मैं क्या करता था कि उनके भी वहाँ से ऑफिस में रखे हुए होते थे, जैसे उनके टेस्ट होते थे ऑफिस में रखे हुए थे, तो मैंने वहाँ से उठा उठा के अपना कलेक्शन कर लिया। मैं बहुत सारे टेस्ट लेके आया था, मैंने आपको दिखाया भी था, इनफैक्ट मैं यहाँ पे वीडियो डाल रहा हूँ तो आप उसको देख लो, मैंने बहुत सारे टेस्ट मैंने इकट्ठे किए वहाँ से, इतने तो इनफैक्ट हुए भी नहीं होंगे हमारे आकाश इंस्टीट्यूट में, जितने मैंने इकट्ठे कर लिए थे 11th 12th के मिला के, तो मैं उनको भी सॉल्व कर रहा हूँ फिलहाल। तो मेरे फिलहाल यही चल रहा है कि पीडब्ल्यू का लेक्चर देता हूँ, आकाश के मॉड्यूल से पढ़ रहा हूँ, उसी के 4 सेक्शन होते हैं ABCD, उनको वो कर रहा हूँ। फिर उसके बाद हमें मिलती है एक बुक जिसका नाम है MCAP, इसको मैं चेस सोल्व कर रहा हूँ। और इसके अलावा मैं क्या करता हूँ कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं ना, कुछ LN में भी है, आकाश में भी है, कुछ विद्यापीठ जो उसका है पीडब्ल्यू का वहाँ पे भी है, कुछ E2s में भी है, तो वो लोग क्या करते हैं कि अपना जैसे कोई पेपर हुआ, उन्होंने अपना क्या करते हैं, अपना उसका PDF लिया और मुझे मेल कर देते हैं। तो मैं अपने लैपटॉप में खोल के इसको, और जो मैं लास्ट ईयर से आकाश इंस्टीट्यूट से लेके आया था, ये मेरे पास बहुत कम से कम 5 से 6 हैं, ये ओमार सीट्स है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले उसको अटैम्प्ट करता हूँ, और अटैम्प्ट करने के लिए मेरे पास ऐसा यूज़ करता हूँ, उस पर सोल्व करता हूँ, और उस पर फिर मार्क कर दे, गोला करके मार्क कर देता हूँ। उसके बाद फिर आंसर की ओपन करता हूँ, फिर उसको मैच करता हूँ, फिर से कैलकुलेशन करके अपने एग्जैक्ट नंबर पता कर लेता हूँ। हाँ, वो बात अलग है कि इसमें अपने रैंक नहीं आती है कि कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, तो वो सब नहीं आता इसमें, बट हाँ ये पता चल जाता है कि आपको। और दूसरी बात ये भी है कि इसमें ये नहीं पता चलता कि कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, तो पता चल जाएगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है, वो पता नहीं चलता, वो खुद ढूंढना पड़ता है आके। तो वो सब प्रॉब्लम होती है कि सॉल्ट नहीं मिलते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो सॉल्ट नहीं देते, सॉल्ट करके नहीं देते अपने टेस्ट से, क्योंकि उनका क्लास में डिस्कशन हो जाता है। तो फिलहाल तो मेरा यही चल रहा है, तो बाकी आगे की जर्नी मेरी कैसे रहने वाली है मैं आपको अपने यूट्यूब पर दिखाता रहूँगा। प्लीज़ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार कर लो, और
और अगर आपको कुछ मेरे से पूछना है प्लीज़ कमेंट में अच्छे से अच्छे कमेंट करके ना अपने डाउट्स पूछ लिया करो, कुछ किसी से कुछ पूछना हो। इनफैक्ट मैं इंस्टाग्राम पे भी आप पूछ सकते हो पर्सनली, ऐसा कुछ है नहीं कि मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई नहीं करूँगा। बहुत सारे स्टूडेंट हैं मेरे साथ जो कनेक्टेड है, जिनका इनफैक्ट मैंने एडमिशन भी कराया है कुछ लोगों का आकाश इंस्टीट्यूट में भी। तो एक सेकंड बात ये भी है कि आप लोग बोलते हैं आकाश इंस्टीट्यूट, आकाश इंस्टीट्यूट, मैं आकाश इंस्टीट्यूट को प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि मैं आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ा हूँ। तो मेरे कुछ वहाँ के जो बुक्स हो गई, मॉड्यूल्स हो गए, कुछ स्ट्रक्स हो गए तो आकाश का है। मैं आकाश को बेसिकली प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। मेरे कोई ऐसा स्पॉन्सरशिप वाला फंडा नहीं यहाँ पे लग रहा है कि मैं वो मुझे कुछ पैसे दे रहे हैं, फिर मुझे कुछ फीस रिड्यूस कर रहे हैं, कुछ फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो मेरे लिए सब एक जैसे हैं। एलन भी एक जैसे है, PWB जैसे है। जहाँ से आपको अच्छा लगता है वहाँ से पढ़ो, मेरा कोई रिकमेंडेशन मत लो क्या आकाश से। हाँ, आकाश की जो स्पेशलिटीज़ है, क्योंकि जो आकाश में मैं पढ़ा हूँ तो मुझे, जैसे मेरे स्टूडेंट पूछते हैं ना कि आकाश में क्या क्या है, कैसे है, उसके बारे में बता दिए, तो मैं उनको रियल ऑनेस्ट व्यू देता हूँ, ऑनेस्टली बताता हूँ कि ऐसा ऐसा है। अगर कुछ गलत है तो मैं गलत ही बताता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आकाश में मेरा कुछ चल रहा है। तो ये आप प्लीज़ मत बोला करो कमेंट में। मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन नहीं किया है और इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया, तो मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में है जाके, तो आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपने डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आप बातें भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं बेसिकली कि ऐसा है ऐसा है, तो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। सुन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।